जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालूंग के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ बंधुओं पिछले कुछ दिनों से हमने हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से विकृत करने का इन कम्युनिस्टों ने सेक्युलर वादियों ने प्रयास किया ये हमने समझ कर लिया हमारे जो राष्ट्रपुरुष है हमारे क्रांतिकारक है इनका इतिहास हमारे इतिहास के पुस्तकों में से गायब करने का एक षड्यंत्र हमारे देश में चला और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि पिछले सत्तर वर्ष में आज हमारे जो हिंदू है हमारे जो समाज के लोग हैं वो एक प्रकार से धर्म से और दूर चले गए हैं तो ये सत्य परिस्थिति कैसे है कैसे इन वामपंथियों का षड्यंत्र है कैसे इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति घृणा के कारण हमारे साथ इस प्रकार से एक व्यवहार किया और इसको पूरी तरह से एक प्रकार से सरकार का एक सहमति थी उसके लिए ये हमने बातें यहाँ पर समझ कर ली आज भी हम इतिहास के विकृतिकरण के बारे में इन कम्युनिस्टों ने किस प्रकार से विकृत इतिहास किया है ये आज हम समझ कर लेने वाले हैं हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं नमस्कार जीतिक जी, जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी कम्युनिस्टों ने तो भारतीय इतिहास को विकृति की है ये तो हमें स्पष्ट हुआ कल आपने हमें ये बताया परंतु उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ उनके इतिहास के साथ भी अन्याय किया है ऐसा आरोप किया जाता है तो इसमें सत्यता क्या है क्योंकि बहुत अंश बार ऐसे देखा जाता है कि इतिहास में हमारे राजाओं के बारे में जो जिन्होंने पराक्रम किया है इसके बारे में कहीं इतिहास दिखाई नहीं देता है तो ये सत्य परिस्थिति क्या है किस प्रकार से उन्होंने इतिहास तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है ये वास्तविकता आप हमारे सामने रखें जी कार्तिक जी आपने ये जो बताया वो एक, एकदम सत्य है ये कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने जिस तरह से एक तरफ भारत के इतिहास में विकृतियाँ निर्माण की तो दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू राजाओं के इतिहास के साथ काफ़ी अन्याय भी किया है पाठ्य पुस्तकों में उसका रिप्रेजेंटेशन देने के संदर्भ में और हिंदू जनजागृति समिति ने इस विषय पर महाराष्ट्र और गोवा में आंदोलन भी किया है एन की जो सातवीं और नवीं कक्षा की जो पुस्तकें हैं गोवा और महाराष्ट्र में उन इतिहास के पुस्तकों में दिल्ली के सुल्तान के नाम से करीब करीब साठ पन्नों का इतिहास बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने दिया था और उसमें भी जो जियादी आक्रांता थे अकबर बाबर औरंगज़ेब इन पर तो स्वतंत्र पाठ भी दिए थे और वो सत्य इतिहास भी नहीं था वो तो उनका महिमा मंडन करने वाला इतिहास था उनका जो नरसंहार वाला है वंशविच्छेद वाला है मंदिरों की ध्वस्त करने की और लूट करने की जो इतिहास की परंपरा थी या स्त्रियों पर बलात्कार या बच्चे या पुरुषों के जो कत्लेम उन्होंने किया था और एक तरह से जिहादी जिजिया कर लगा कर ये इस्लामी शासन के तहत हिंदू नागरिकों को लेकर उन्होंने जो एक उनके विकृत स्वरूप का जो इतिहास था वह उसमें नहीं सिखाया जा रहा था तो वे कितने अच्छे थे वे कितने उदार थे और वो उनका महिमा मंडन करने वाला वो इतिहास इन साठ पन्नों में सिखाया जा रहा था अब मुग़ल के इन साठ पन्नों के इतिहास में इसके तुलना में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो केवल महाराष्ट्र या गोवा नहीं तो संपूर्ण भारत नहीं तो पूरे विश्व में जो एक आदर्श राजा और एक वीर योद्धा करके माना जाता है जिसने एक नई युद्ध नीति निर्माण किया था गुरिल्ला वॉर्टिक्स जिसको हम गनीमी कावा कहते हैं वो संपूर्ण विश्व के देश अपने मिलिट्री को जो सिखाते हैं और उनका लोहा मानते हैं कि इन्होंने पाँच पाँच आक्रांता जियादी मुगल बादशाहों के साथ लड़कर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य और हिंदू साम्राज्य स्थापन किया था तो ऐसे थोर सेनानी और चक्रवर्ती सम्राट एक राजा ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो केवल चार पंक्तियों में यानी चार लाइनों में एक पेज पर कहीं तो उन्होंने दिया था तथा इन पुस्तकों में से महाराणा प्रताप का तो संपूर्ण इतिहास ही उन्होंने गायब कर दिया था और महाराणा प्रताप तो इतना पराक्रमी राजा हुआ था कि जिसने अकबर के साथ इतना लोहा लिया था राजस्थान चित्तौड़गढ़ से लेके तो एक धर्म परंपराओं की रक्षा करने के लिए उसने इतना बड़ा संघर्ष किया था भर लोगों के साथ उसने अफाट मुगलों की सेना के साथ युद्ध किया था महाराणा प्रताप का जो संपूर्ण इतिहास है वह केवल एक ही लाइन में लिया था और क्या लिखा था वो एक लाइन में राजस्थान में महाराणा प्रताप नाम के पराक्रमी राजा हुए उन्होंने मेवाड़ के लिए संघर्ष किया केवल इतनी एक पंक्ति में ये सातवीं और नवीं के पुस्तक में महाराणा प्रताप का इतिहास उन्होंने खत्म कर दिया और अन्य हिंदू राजाओं का तो इन पुस्तक में नाम ही नहीं है क्या यह इतिहास पढ़कर हमारे देश के युवा क्या प्रेरणा लेने वाले हैं इस षडयंत्र को समझने के लिए हमें मुगल तथा हिंदू राजाओं के संदर्भ में जो सत्य है वह जानना आवश्यक है भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले के रूप में बाबर को माना जाता है और इस बाबर के वंश का भारत पर कितने कालावधि तक राज्य था पता है आपको तो सर्वप्रथम इस बाबर के वंश का यानी मुगलों के वंश का भारत पर कितने वर्ष राज्य रहा ये अब हम देख लेंगे आप स्क्रीन पर भी ये उनका देख रहे होंगे बाबर ने मुश्किल से 1526 सौ ईस्वी से 1530 तक ऐसे केवल चार वर्ष तक राज किया था उसके बाद हुमायूं उसका बेटा आया था उसका शासन 1530 से 1540 तक मात्र दस वर्ष तक रहा अब हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आया था अकबर का शासन 1556 से 1605 सो तक के अर्थात उनचास वर्ष का था जहांगीर का शासन आया जहांगीर का 1605 से लेके तो 1627 तक अर्थात 22 वर्ष का शासन था और उसके बाद शाहजहाँ का शासन आया शाहजहाँ का शासन 1628 से लेकर सोलह तक अर्थात 30 वर्ष का शासन था और उसके बाद आया औरंगजेब का शासन उसका शासन सोलह से लेके सत्रह यानी अर्थात उनचास वर्ष रहा था अब इसका अगर हम पूरा कुल मिलाकर अगर हिसाब लगाते हैं तो मुग़ल बादशाहों का जो साम्राज्य था जो बाबर के वंश का साम्राज्य था वह भारत में केवल एक वर्ष तक ही साम्राज्य रहा है क्या इसको हम साम्राज्य कहेंगे साम्राज्य है करके बताया जाता पूरे भारत पर भी उसका आधिपत्य नहीं हो सका था दक्षिण में कभी वो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराजा मराठाओं को कभी जीत नहीं पाए थे उधर ओडिशा हो या असम हो वहाँ तक वो कभी जीत नहीं पाए थे और इसको साम्राज्य कहा जाता है तो यह बड़ी विडंबना है अब हमारे इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में मुगल काल के नाम से एक पूरा भाग को साठ पन्नों में पढ़ाया जा रहा है जैसे मानो कि सृष्टि के आरंभ से आज तक के कालखंड में अगर हम तीन भाग करते हैं तो बीच का जो मध्यकालीन इतिहास है तो मध्यकालीन इतिहास में केवल इन्हीं का राज भारत पे है ऐसा चित्र निर्माण किया जाता है और भारत का स्वयं मध्यकालीन इतिहास का कोई इतिहास ही नहीं है ऐसे विश्व के सामने ये प्रस्तुत कर रहे ये षड्यंत्र हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेक्युलर ये पार्टियाँ जो है जिसमें कांग्रेस का नाम प्रमुखता से आता है ये कैसे देश विरोधी और कैसे हिंदू विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं वो यहाँ पर स्पष्ट होता है जबकि मध्यकालीन इतिहास में राजस्थान का मेवाड़ ये मुगल वंश कभी जीत नहीं पाया था दक्षिण भारत के राज्य और पूर्व भारत के आसाम आदि राज्यों मुगल बादशाह के लिए केवल एक सपना ही रह के गए थे एक वर्ष में और कभी इन पर वे विजय प्राप्त नहीं कर सके तो अब जरा विचार करके देखें क्या ये एक वर्ष का ये जो बाबर का वंश है या मुगल काल का ये जो भारत पे एक आधिपत्य है इसकी तुलना में भारत में शतक से भी अधिक वर्षों पर राज्य करने वाले अन्य जो हिंदू राजवंशों का एक हमारा अमर और गौरवशाली इतिहास है तो इन हिंदू राजवंशों को इतिहास में कितना स्थान मिला है और क्या ये मुगल साम्राज्य के कहीं कम थे क्या तो यह अभ्यास करना चाहिए और मैं अब हमारे भारत के हिंदू राजवंश का जो गौरवशाली इतिहास है उसका आपके सामने कुछ लेखा जोखा रखना चाहता हूँ आप स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडव का राज्य 1100 वर्ष तक केवल भारत नहीं तो आज का अफगानिस्तान कांधार गांधार ईरान से लेके तो ब्रह्मदेश म्यांमार थाईलैंड से लेके ये जो इंडोनेशिया है तो उन सभी क्षेत्र तक वो एक तरह से फैला हुआ था ऐसे हम समझ सकते हैं दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के राजाओं का जो राजवंश था उन्होंने एक हज़ार वर्ष तक के राज्य किया था प्रद्योत वंश के राजाओं ने 138 वर्ष तक के एक क्षेत्र राज्य किया था शिशु नागों के राजवंश ने 360 से लेकर 450 वर्ष तक के एक संघ राज्य उनके वंशों ने किया था नंदों ने 200 वर्ष तक के भारत भूमि पर राज्य किया था मौर्यों ने 300 वर्ष से अधिक वर्षों तक राज्य किया था और शुंगों ने तो 300 वर्ष तक राज्य किया ऐसे इतिहास बता ही रहा है और अकेले विजयनगर का साम्राज्य तेरह से लेकर सोलह तक के अर्थात तीन वर्ष तक ये मध्य भारत के विजयनगर प्रांत में उनका साम्राज्य रहा था और हमारे जो सातवाहन राजवंश का जो राज्य था वो 400 वर्ष तक चला था और फिर विक्रमादित्य ने करीब करीब 100 वर्ष तक एक छत्र राज्य किया था तो चोला राजाओं का शासन तो आज के भारत के बाहर चाहे श्रीलंका हो बांग्लादेश हो म्यांमार हो थाईलैंड हो मलेशिया हो कम्बोडिया इंडोनेशिया वियतनाम सिंगापुर मालदीव ऐसे अनेक देशों पर उनका राज्य था और वो राज्य का गौरव इतना बड़ा है कि आज भी वहाँ पर इन हिंदू राजाओं की संस्कृति की अवशेष वहाँ पर है और वहाँ पर लोगों ने समय के साथ उनका धर्मांतरण हुआ है उनका उपासना पद्धति बदली है फिर भी इंडोनेशिया में आज भी वे अपने आप को राम के वंशज मानकर गौरव से हिंदू संस्कृति और परंपरा को उन्होंने संजोके रखा है उन्होंने कहा केवल हमारा धर्म बदला है हमारे पितृ और संस्कृति बदली नहीं ऐसा वो उसके लिए प्रतिवाद भी करते हैं आज भी इन देशों में इन क्षेत्रों में हिंदू संस्कृति के प्राचीन तथा विशाल मंदिर इन साम्राज्य के अस्तित्व के एक प्रत्यक्ष प्रमाण और अस्तित्व के इनके जो एक इतिहास है उसको वो बयान करते हैं हमारे सामने तो भारत में गत चार पाँच हजार वर्षों में इतने महान सम्राटों का हजारों वर्षों का राज्य होने पर भी उनको भारत के इतिहास में कहीं स्थान ही ना मिलना इन सभी राजाओं का इतिहास ही इतिहास की पुस्तकों से गायब कर देना यह इन कम्युनिस्ट इतिहासकार ये सेकुलरपंथी वामपंथी नेहरू के छायाचित्र में जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई थी और उसके बाद ये साम्यवादी पार्टी को साथ में लेके इंदिरा गांधी ने जो साझेदारी किया था सत्ता में और उसके बाद प्रोफेसर नुरुल हसन से लेके ये जो वामपंथी कम्युनिस्ट टोली थी इन्होंने इन गौरवशाली इतिहास को इतिहास के पुस्तकों से ही गायब कर दिया यही बड़ी विडंबना है और यह सब कैसे षड्यंत्रपूर्वक किया गया है यह किस उद्देश्य से किया गया है और क्यों किया गया है यह सभी हमको समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है एक तरफ आक्रांता और जो जियादी मुसलमान राजा भारत में आए थे उनकी सत्य इतिहास न बताकर उनका झूठा गौरव करने वाला महिमा मंडन करने वाला इतिहास सिखाया जा रहा है और इस तरह से एक इतिहास का विकृतिकरण भारत में उन्होंने किया है दूसरी तरफ भारतीय राजाओं का हिंदू राजाओं का जो गौरवशाली इतिहास है और इतने सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने एक छत्र राज्य कारोबार भारत में या भारत के बाहर के भी देशों में किया था तो इतिहास को ही भारत के पुस्तक से गायब करना इन इतिहासों की विसंगतियाँ क्या दूर नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू राजाओं का गौरवशाली इतिहास क्या इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में समावेश नहीं करना चाहिए वो हमारे भारतीय युवा पीढ़ी को नहीं सिखाना चाहिए और ये मुगलों का जो झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि वे बहुत अच्छे थे दानी थे शूर थे और उनने भारत को कुछ भविष्य बनाया ये झूठा इतिहास बदल कर इन जिहादी आक्रांता राजाओं का नरसंहार वंश विच्छेद वाला मंदिरों को ध्वस्त करने वाला जिजिया कर डालने वाला सत्य इतिहास नहीं सिखाना चाहिए तो इन विसंगतियों को दूर करने का जब भी प्रश्न आता है तो ये झूठे कम्युनिस्ट इतिहासकार ये पंथी जो राजनेता और पॉलिटिकल पार्टीज है वो तुरंत यह रट लगा देते हैं कि इतिहास का भगवाकरण हो रहा है भगवाकरण हो रहा है और समाज के मन में कुछ तो भय निर्माण करके इस अभियान को रोकने का प्रयास करते हैं परंतु ये इतिहासों के साथ अंग्रेजों ने और इस कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा जो रचित आर्य विदेश से आए हैं और मुस्लिम शासक यहाँ के स्वदेशी है ऐसा जो एक नया झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है क्या ये देश हित में है क्या ये झूठा इतिहास पढ़ाना उचित है क्या इसको हटाकर इसमें बदलाव करके सत्य इतिहास भारतीय पाठ्यपुस्तकों में लाना योग्य नहीं है क्या अत्याचारी मुगल आक्रांता अकबर को महान और शूरवीर महाराणा प्रताप को पथभ्रष्ट देशभक्त बताकर पुस्तकों में एक झूठा सफ़ेद झूठ पढ़ाया जाना क्या यह सही है क्या भारत की ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है जो संस्कृति है जो इतिहास है यह जानकारी भारतीय छात्रों से छिपा के रखना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए इसीलिए सच्चा इतिहास नए सिरे से लिख कर उनको पाठ्य में समावेश कर कर आने वाले भविष्य में विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए और उसी के साथ जो भी सरकारी तंत्र की मीडिया है या मास मीडिया है उनके माध्यम से यह सच्चा इतिहास वर्तमान में जो शिक्षित है परंतु जिनको झूठा सफ़ेद झूठ सिखाया गया है इन लोगों को भी सत्य अवगत करने के लिए इसके ऊपर टी सीरियल्स इसके ऊपर व्याख्यान होना चाहिए सेमिनार्स होना चाहिए और भारतीय जनता को इस झूठे इतिहास के मायाजाल से हटाकर उनको सत्य का दर्शन कराने की आवश्यकता है और इस पर जो इस वामपंथी या कम्युनिस्ट इतिहासकार या सेक्युलर ये जो पार्टियाँ है, सेक्युलर राजनेता है जो इतिहास का या शिक्षा का भगवाकरण भगवाकरण करके जो आरोप करते हैं तो उनको अभी इसका सत्य बताकर इन आरोप करने वालों को चुप बिठाकर इस आरोपों की जो गरिमा है उसको नष्ट करते हुए एक सत्य स्थापित करने के लिए यह सभी बातें आवश्यक है ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो यहाँ पर हमारे सामने बात रखी है तो हम सभी को यह स्पष्ट हुआ होगा कि हमारे देश में सनातन परंपरा के जो हमारे राजा महाराजा होकर गए जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य जो हजार हजार वर्ष तक चले हैं ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है परंतु केवल एक वर्ष के इन मुगलों के इतिहास को हमारे मन के ऊपर अंकित करने का बार बार प्रयास किया जा रहा है ऐसे क्यों हो रहा है ये हमें समझ कर लेना बहुत आवश्यक है तो ये एक विकृति है और केवल हमारे हिंदुओं को हमारे धर्म के बारे में स्वाभिमान निर्माण न हो हमारा सच्चा इतिहास पता ना चले इसलिए चाहे वो चोल साम्राज्य हो या फिर हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा होकर गए हैं इन सब के बारे में महाराणा प्रताप है या फिर हमारे विजयनगर साम्राज्य है इसके बारे में आज हमें कुछ भी पता नहीं है आज हम युवाओं को पूछते हैं तो इनके नाम भी पता नहीं विक्रमादित्य कौन है इसके बारे में हमें किसे पता नहीं परंतु अकबर के बारे में पूछिए बाबर के बारे में पूछिए हुमायूं के बारे में पूछिए हमें ये इतिहास में पढ़ाया जा रहा है तो ये जो एक षड्यंत्र किया गया है कि इन मुगलो, मुगलों मुगलों का एक गुणगान करने का प्रयास हमारे ऊपर किया गया है और इस माध्यम से इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है तो ये कहीं पर तो रोकना होगा और इस इतिहास का ही इस प्रकार से इस विकृत इतिहास का ही ये परिणाम हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश से हमारे लोगों को हमारा सच्चा इतिहास ही पता नहीं है तो इसे हमें दूर करना होगा इसके लिए सभी को संगठित रूप से इसको विरोध करना होगा प्रशासन पे दबाव लाना पड़ेगा सच्चा इतिहास हमें लोगों के सामने लाना होगा और ये सच्चा इतिहास लोगों के सामने लाना यानी ये हमारा भगवाकरण नहीं है ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है तो हम सभी को बता सकते हैं कि ये सत्य है और सत्य समाज के सामने लाना ही है तो इसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मैं ये पूछना चाहूँगा सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी कि कम्युनिस्टों का यह ऐसे कहना रहता है कि सब ये जो हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन के लिए उसको पढ़ाना होगा तो क्या ग्लोबलाइजेशन के लिए इस प्रकार का इतिहास पढ़ाने की कोई आवश्यकता है इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें कार्तिक जी ये ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है यह अभी इन कम्युनिस्ट इतिहासकार और हमारे जो सेक्युलर पंथी जो कम्युनिस्ट पंथी राजनेता और राज पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी समझाने की आवश्यकता ऐसे मुझे लगता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वैश्विकीकरण तो वैश्विकीकरण के नाम से इन वामपंथी इतिहासकार या सेकुलर ये जो पार्टियाँ हैं कांग्रेस पार्टियाँ है भारत की उन्होंने भारतीय राजाओं का हिंदू राजाओं का गौरवशाली इतिहास भारत के बाहर कितने देशों में पढ़ाया जाता है उसका कोई अध्ययन उन्होंने किया है क्या वो बता सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अगर हमको वो आक्रांताओं का विदेशी लोगों का इतिहास सिखा रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर भारतीय हिंदू राजाओं का जो गौरवशाली इतिहास है वो अन्य कौन से देशों में और कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है इसका लेखा जिका वो दे सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का अर्थनीति में अगर हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक ट्रीटी किया था 1990 के उदारीकरण के बाद और उन्होंने विश्व में व्यापार को खुला किया था तो उसमें उन्होंने कुछ नए नए नियम डाले हैं और वो ऐसे विचित्र नियम डाले हैं कि जिसमें जो विकसित राष्ट्र है वो केवल नफाखोरी करेंगे और बाकी राष्ट्र है उनका शोषण होगा ऐसी परिस्थिति उन्होंने निर्माण किया है और आर्थिक दृष्टि से आयात और निर्यात निर्यात एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इसके आधार इसके ऊपर उन्होंने कुछ नीतियाँ बताई हैं और विश्व में जिनका इम्पोर्ट अभी ज़्यादा चल रहा है और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है ऐसे सभी विश्व के देश धीरे धीरे आर्थिक संकट में जाकर ये बड़े साम्राज्यवादी देशों के गुलाम बन रहे हैं और उसके लिए चाइना का सबसे बड़ा उदाहरण है उन्होंने अनेक देशों को कर्ज देकर देश के देश निगलने की प्रक्रिया उसने शुरू किया अमेरिका से उन्होंने ये नीति उन्होंने सीखी है तो जहां इम्पोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट नहीं होता है वो देश नष्ट होने की कगार पर आ रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने तो इतिहास बहुत इम्पोर्ट कर लिया मुस्लिम आक्रांताओं का किया ब्रिटिश आक्रांताओं क्रिश्चियन मिशनरियों का इतिहास इम्पोर्ट किया हमारे देश के हिंदू राजाओं का गौरवशाली इतिहास कितना एक्सपोर्ट किया इन वामपंथी इतिहासकारों ने उसका लेखा जोखा पहले उनको देना पड़ेगा तो फिर ग्लोबलाइजेशन का उनका ये जो प्रतिवाद है उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं अन्यथा ग्लोबलाइजेशन के नाम पर देश के अंदर के जनता को भ्रमित करके उन्होंने विदेशी से आए हुए आक्रांता जो जिहादी मनोवृत्ति के थे जो धर्मांतरण करना चाहते थे काफिरों को एक तो मारना चाहते थे नहीं तो उनको धर्मांतरित करना चाहते थे उनके मंदिर ध्वस्त किए थे ईसाई मिशनरी सबको वो कन्वर्ट करना चाहते थे मंदिर को हटाकर चर्च बनाना चाहते थे तो इनका इतिहास का वो विदेशियों से लेके आए और भारत पर थोप तो दिया यानी इंपोर्ट तो उनका 99% हो गया अब भारत का कितना परसेंट एक परसेंट में क्या क्या इतिहास विदेश में उन्होंने भेजा है उसका लेखा जेखा जोखा वो देने वाले हैं क्या और इससे पता चल जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के बड़े लुभावने नाम के अंदर उन्होंने भारत को भ्रमित करके केवल आक्रांताओं का इतिहास स्थापित करने के लिए यानी इतिहास का इस्लामाइजेशन करना था उनको इतिहास का क्रिश्चनाइजेशन करना था और इतिहास का एंटी हिंदूकरण करना था और हिंदू गौरवशाली परंपरा हिंदू साम्राज्य के जो इतिहास में जो नाम थे राजा थे उनको नष्ट करने का षड्यंत्र इस ग्लोबलाइजेशन के नाम से ही हुआ है यह हमें जानकर लेने की आवश्यकता है यह सबसे पहले मैं ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ अब प्रत्यक्ष में उन्होंने क्या किया इन कम्युनिस्ट वामपंथी इतिहासकारों ने या ये जो सेकुलरवादी वामपंथीवादी ये कम्युनिस्ट ये कांग्रेस पार्टियाँ हैं या उनके समविचारी पार्टियाँ हैं उन्होंने देश के अंदर इतिहास और पाठ्यपुस्तकमों के साथ क्या किया वह अभी हम देख लेंगे इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हिंदुओं का अच्छा इतिहास छिपा कर रखो और दूसरे अत्याचारी पक्ष थे जो आक्रांता थे जो विदेशी थे उनको सर्वगुण संपन्न करके अच्छे रूप में प्रचारित करो ऐसा है ग्लोबलाइजेशन की भारत के वामपंथी इतिहासकार और सेक्युलर ये कांग्रेस पार्टी या सेकुलरवादी पार्टियों का यह नीति और धोरण रहा है ऐसे हमें स्पष्टता से दिखता है आज केवल एक बाइबल और एक कुरान को आधार बनाकर दुनिया में सैकड़ों विश्वविद्यालय है और इसमें इस्लाम के संदर्भ में अभ्यास हो रहा है इसमें क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में अध्ययन हो रहा है और दूसरी और हिंदू परंपरा में असंख्य गुरु शिष्य परम्पराएँ गुरु महर्षि परम्पराएँ तथा वेद उपनिषद पुराण स्मृतियाँ टीका काव्य ऐसे लाखों दार्शनिक ग्रंथ भारत में उपलब्ध है परंतु इन ग्रंथ और इन परंपराओं के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय तो छोड़िए भारत के विश्वविद्यालयों में एक विभाग भी नहीं है तो ये वामपंथी नीति क्या है ये हिंदू विरोधी भारत विरोधी वामपंथी इतिहासकार या सेक्युलर कांग्रेस पार्टियों की नीति क्या है वो हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है यह लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हिंदू विरोध नहीं तो और क्या कर रहे हैं ये इतिहास का विकृतिकरण और भारतीय गौरवशाली राजाओं को इतिहास में स्थान न देना ये हिंदू विरोध और भारत विरोध नहीं तो और क्या है आज भारत में पिछले सत्तर वर्षों से वामपंथी यानी कम्युनिस्टों द्वारा जो लिखित तुलनात्मक इतिहास जो पाठ्यक्रमों में सिखाया जा रहा है नई नई शिक्षा प्रणालियों को वे लागू कर रहे हैं लेकिन क्या कैमिनिस्ट यह बता सकते हैं कि आज हमारे बहुसंख्यक छात्र स्कूल और विश्वविद्यालय के परीक्षा में तो विफल ही हो रहे हैं वो अपने व्यवहारिक जीवन में भी विफल क्यों हो रहे हैं और वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं इसका वो कारण बता सकते हैं क्या यह वामपंथी इतिहास ये वामपंथी शिक्षा पद्धति या ये सेकुलर कांग्रेस और वामपंथी नेहरू और कांग्रेस प्रणाली के शिक्षा पद्धति का ये क्या पराभव नहीं है असफलता नहीं है किट्स और इलियट जैसे अंग्रेज़ी लेखकों को पढ़ाना ग्लोबलाइजेशन के दृष्टि से हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है तो फिर इतने सालों में इन्हें इनको पढ़ाने के बावजूद भी हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभी तक अपनी ठोस मौजूदगी दर्ज करने में नाकाम क्यों रहा है क्यों आज़ादी के सत्तर साल के बाद भी हमारी गिनती अभी विकसित देशों में न होकर केवल विकसनशील देशों में ही हो रही है हमारे साथ जो देश स्वतंत्र हुए चाहे चीन हो या अन्य देश है तो वो आगे क्यों निकल गए और भारत क्यों पीछे रह गया भारत की पाठ्य पुस्तकों से विलियम ब्लैक और थॉमस हार्डी जैसे विदेशी लेखकों को हटाए जाने का उन्हें अफसोस लगता है लेकिन संपूर्ण विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद एवं गुरुदेव रविंद्रनाथ टाइगर को हमारे पाठ्य पुस्तक्रमों में शामिल किए जाने पर उन्हें गर्व क्यों नहीं लगता है भारत के बच्चे किसी विदेशी रचनाकार की बजाय अपने ही देश के महापुरुषों के बारे में पढ़े तो यह क्या भारतीयों के लिए हर्ष का विषय नहीं होना चाहिए तो फिर ये कम्युनिस्ट इतिहासकार या सेकुलर पार्टियों की ये कौन सी भारत विरोधी हिंदू विरोधी नीति है कि उनको गौरवशाली भारतीय इतिहास अगर पाठ्य में आता है तो उनको बुरा लगता है और ये जो मार्क्सवादी लोग हैं वे सबसे अधिक धर्मनिरपेक्षता का शोर मचाते हैं मगर ये मार्क्सवाद का इतिहास ऐसे है कि उनको जब सुविधा होती है तो वो कभी इस्लाम का पक्ष लेते हैं कभी ईसाई मिशनरियों का पक्ष लेते हैं मगर उन्होंने हिंदू का पक्ष उनके इतिहास में कभी लिया नहीं यह तो हमें स्पष्ट दिखता है तो भारत में आने के बाद हिंदू का जब बात आती है गौरवशाली हिंदू परंपरा की बात आती है गौरवशाली इतिहास की बात आती है गौरवशाली हिंदू राजाओं की बात आती है तो यह धर्मनिरपेक्षता और भगवीकरण का शोर मचाते हैं परंतु मई उन्नीस में इन्हीं मार्क्सवादियों ने एक प्रस्ताव पास किया था और धर्म के आधार पर भारत के विभाजन का द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत और देश के टुकड़े करने का समर्थन किया था धर्म के आधार पर वैसे उसको धर्म नहीं कह सकते उसको हम पंथ ही कह सकते हैं परंतु उनकी जो बौद्धिक एक दिवालियापन था उसके कारण वो धर्म और पंथ को उस समय एक ही मान रहे थे और इतना ही नहीं तो ये मार्क्सवादी लोग जो भारत के अन्य मुसलमान थे उन मुसलमानों को अन्य किसी पार्टी में नहीं कांग्रेस पार्टी में भी नहीं तो उनको मुस्लिम लीग में शामिल होने का आह्वान तक ये मार्क्सवादी कर रहे थे ये इनकी विडम्बना है एक तरफ से धर्मनिरपेक्ष है और दूसरी तरफ से इस्लाम समर्थक है एक तरफ से धर्मनिरपेक्ष है तो दूसरी तरफ वो ईसाई मिशनरी समर्थक है मात्र वो हर समय हिंदू विरोधी है ये तो चित्र उनका स्पष्ट होता है इनको शिक्षा का इस्लामीकरण चलता है पाठ्यपुस्तकों का इस्लामीकरण चलता है इनको शिक्षा का ख्रिस्तीकरण चलता है पाठ्यपुस्तकों का क्रिश्चनाइजेशन चलता है हिंदूकरण की बात आई कि इनके पेट में दर्द शुरू होता है तो यदि इन्हें वास्तविकता में शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता की ही चिंता थी तो देश में भगवेकरण की चिंता छोड़कर देशभर जो अन्य चल रहे मदरसे या जो चर्चेस या उनके जो पाठ्य की चिंता वहाँ पर सिखाना चल रहा था तो उसकी उनको चिंता होनी चाहिए थी परंतु इन मदरसों में मौलाना मुसलमान बच्चों को क्या पढ़ाते हैं इसके बारे में वो बताते नहीं चर्चा करते नहीं या इसके ऊपर टिका टिप्पणी नहीं करते हैं ये मौलाना कैसे पढ़ाते हैं उन अवोध बच्चों की क्या मानसिकता बनती है क्या वे आतंकवाद के मार्ग पर चलना क्यों स्वीकार करते हैं यह सब जो देश के लिए घातक है समाज के लिए घातक है मानवता के लिए घातक है ऐसे मुद्दे इन वामपंथियों को कभी चिंतन का विषय नहीं बनती है यही इनकी अमानवीयता है यही इनका झूठा पंतनिरपेक्षता है यह इनकी झूठी धर्मनिरपेक्षता है क्योंकि उनके विचार में तो सांप्रदायिकता तो केवल भगवे रंग में होती है या हिंदू धर्म की बात आती है तभी इनके मन में सांप्रदायिकता बात आती है छात्रों को ज्ञानात्मक पढ़ाना चाहिए विज्ञानात्मक पढ़ाना चाहिए भावात्मक पढ़ाना चाहिए आध्यात्मिक तथा तथ्य पर आधारित इतिहास की दृष्टि देकर इन विद्यार्थियों की बुद्धि पुष्ट करना अगर यदि यह शिक्षा का भगवाकरण है तो इस भगवाकरण को शत शत नमन क्यों नहीं किया जा सकता है और इतिहासकार ये जो है कैम्युनिस्ट इतिहासकार तो भारत के सत्य इतिहास के सामने नतमस्तक क्यों नहीं होते उनके पेट में दर्द क्यों होता है यह हमें विचार करने की आवश्यकता है वास्तव में विकृत इतिहास का शुद्धिकरण या जो हिंदू राजाओं का और गौरवशाली परंपराएं हटाई गई उसका पुनर्समावेश करना यह इतिहास का भगवाकरण नहीं तो यह इतिहास का और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण है और सत्य पर आधारित राष्ट्रीयकरण है यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और यह सत्य हम सबने समझ कर भारतीय पाठ्य पुस्तकों में सत्य इतिहास को पढ़ाने का आग्रह करने की भूमिका अब हम सभी को लेने की आवश्यकता है शिक्षा के भगवीकरण में जो झूठे आरोप हुए थे उसके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2002 में एक आदेश देकर इस आरोपों को पूर्णता कैसे रद्द किया था वो भी अभी हम समझ लेंगे तात्कालिक केंद्र सरकार में मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी इन पर शिक्षा के भगवीकरण का आरोप इन कैम्युनिस्ट इतिहासकार या उनको समर्थन करने वाले ये जो सेक्युलर पार्टियाँ या पार्टियों का समूह है उन्होंने भगवाकरण का आरोप इन पर लगाया था इस धोरण के तहत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इन शिक्षाविद और पाठ्य तय करने वालों को और स्कूलों को ये कहा था कि पाठ्य पुस्तकों से वो हिस्सा निकाल दिया जाए जिसमें गोमास खाने के संदर्भ में कुछ बातें सिखाई जा रही है जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ऐसे सिखाया जा रहा है और हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर अस्तित्व पर संशय प्रकट किया गया है प्रत्यक्ष में यह जो धोरण था इंदिरा गांधी के साथ जब प्रोफेसर नुरुल हसन शिक्षा मंत्री बनाए थे उस समय उन्होंने घोषित किया था कि जो इतिहास राष्ट्रीय अखंडता में बाधा बनेगा या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा तो वो इतिहास निकालना चाहिए इस धोरण के अनुपात में ही उन्होंने ये निर्णय लिया था और प्रोफेसर नुरुल हसन के माध्यम से ये कांग्रेस सरकार ने उस समय क्या किया था कि अंग्रेज ये इस्लाम का जो आक्रांताओं का इतिहास था नरसंहार का जिहाद का जो इतिहास था वो उन्होंने हटाया था ताकि मुसलमान आक्रांता राजाओं का वास्तविक इतिहास हिंदुओं को पता ना चले और उसको उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता में बाधा निर्माण न होने का नाम दिया था और जब हिंदू हित में यह निर्णय लिया गया कि देवी देवताओं का ऊपर संशय निर्माण हुआ है या गोमास खाने के संदर्भ में जो पाठ्य में लेख लिया था अब ये हिंदुओं की धार्मिक भावना आत करती है तो मुरली मनोहर जोशी के मंत्रालय ने इन इतिहास को हटाने का जब उसी धोरण के अंतर्गत निर्णय लिया तो वही कम्युनिस्ट इतिहासकार और वही सेक्युलर पंथी वामपंथी कांग्रेस पार्टी ने इसको इतिहास का और शिक्षा का भगवाकरण नाम देकर आरोप करना शुरू कर दिया इस पर कम्युनिस्ट शिक्षा का कहना था कि इस परिवर्तनों द्वारा सरकार धार्मिक विचारधारा को ही बल दे रहे हैं यानी उन्होंने कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने कम्युनिस्टवादी ये शिक्षा मंत्री या सेक्युलरवादी कांग्रेस पार्टी ने जब इस्लाम और क्रिश्चनिटी के संदर्भ में यही धोरण लागू किया तो वो उनका सेक्युलरिज्म था और मुरली मनोहर जोशी ने यही धोरण जब हिंदु में लागू करना शुरू कर दिया तो अब वो यहाँ पर आरोप कर रहे हैं कि सरकार द्वारा धार्मिक विचारधारा को बल दिया जा रहा है देखो कैसे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नीति वाले कम्युनिस्ट इतिहासकार और ये सेकुलर पार्टी है ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और इनमें से तो कुछ शिक्षाविदों ने इस पर रोक लगाने की भी मांग किया था कि ये हटाना नहीं चाहिए पाठ्य पुस्तकों में रखनी चाहिए और इस मुरली मनोहर जोशी सरकार के इस निर्णय के विरोध में कम्युनिस्ट गुट के अरुणा राय और अन्य लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास के उन अंशों को हटाया जा रहा है जो कुछ जो कुछ विशिष्ट गुटों के धार्मिक भावनाओं से मेल नहीं खाते हैं यानी जब वो मुस्लिमों के धार्मिक भाव छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर अफजल खान का वध किया वो चित्र लगाया तो मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आदत हो आहत होती हैं आक्रांता विदेशी जिहादी राजाओं ने अगर भारत के मंदिर तोड़े हैं तो वो इतिहास अगर हिंदुओं को पता चलेगा और उनके मन में इस मुसलमान जिहादी राजाओं के विरोध में अगर मन में आता है तो वो देश की अखंडता को बाधा होती है इनके दृष्टि से मगर ये जो है ये विशिष्ट गुटों की धार्मिक भावनाओं से मेल नहीं खाता इसलिए निकाला जा रहा है ऐसा आरोप करके जब ये न्यायालय में गए तो उस समय न्यायमूर्ति एम बी शाह न्यायमूर्ति डी एन धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एच के सेमा इन तीन सदस्य खंडपीठ ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि धर्म की शिक्षा और उस धार्मिक शिक्षा से अलग है जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में दी जाती है न्यायालय का कहना था कि धर्म के बारे में जानना छात्रों का मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान से उसकी मनाही नहीं है और इस कारण न्यायालय ने इतिहास समाजशास्त्र और धार्मिक विषयों तथा हिंदी की पाठ्य पुस्तकों को लेकर प्रकाशन की जो रोक लगी थी वह हटा ली इससे भी यह स्पष्ट होता है कि कम्युनिस्ट शिक्षाविदों का सरकार पर भगवाकरण का बढ़ावा देने का आरोप अत्यंत झूठा था उनका ये अतार्किक और भावनाशील और हिंदू विरोधी जो आरोप था वो न्यायालय और कानून की तर्ज पर संविधान के तर्ज पर भी झूठा साबित हुआ था तथा भारत के छात्रों के हित में हिंदू धर्म सिखाने में सेक्युलरवाद पर कोई संकट नहीं आता यह न्यायालय ने हमें स्पष्ट बताया था तो मूलतः ये कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेक्युलर ये कांग्रेस पार्टी और उनकी जो सहकारी पार्टियां हैं उनका एक ही उद्देश्य है हिंदू विरोध भारत विरोध इस्लाम समर्थन और ईसाई मिशनरियों का समर्थन तो यह ग्लोबलाइजेशन के नाम पर ये जो सफ़ेद झूठ भारत में चल रहा है तो अब इन सेकुलरवादी और वामपंथी कम्युनिस्टों के हाथ से यह सब अधिकार निकाल कर राष्ट्रवादी विचारों के हमारे धर्म परंपरा, संस्कृति परंपरा, हमारे पारंपरिक ज्ञान से युक्त ऐसे तक लोगों के हाथ में यह अधिकार जाना चाहिए अब देश जगा हुआ है अपने अधिकार और हितों के बारे में हिंदू जनता जागृत हुई है वो संगठित हो रही है और वो अपने इन न्यायिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए संगठित होकर कानूनी और संवैधानिक तौर पर एक बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार है और वो आने वाले समय में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से पॉलिटिकल पार्टी को बाध्य करेगी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे संत महंत और इनका योगदान प्रत्यक्ष में शुरू हो चुका है और विदेश में अभी भारत का प्रसार हो रहा है कोरोना की इस आपत्ति ने हमारे भारतीय परंपराओं को विश्व में स्थापित करने के लिए सहायता किया है आज सभी विश्व कोरोना के संकट में भारत की तरफ आशा से देख रहे हैं कि वे कुछ आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विश्व को बचाने के लिए एक दृष्टि और कृति दें तो इन सभी से यही पता चलता है कि अब भारत में एक नए सूरज का उगव होने का उदय होने का समय आया है भारत एक धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र करके उदय होने का समय आया है भारत एक विश्वगुरु बनकर विश्व के पटल पर उदय होने का समय आया है मैं श्रीमद नारायण जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस धर्म संस्थापना के कार्य का सूरज अभी उग रहा है उसका प्रकाश जन जन के मन में जन जन के तन में जन जन के बुद्धि में जाकर उनको प्रकाशित करे समाज और ये पृथ्वी को ग्लोबलाइजेशन के इस युग में वो पूरे विश्व को प्रकाशित करे पूरे विश्व को शांति से आनंद से सहजीवन करने का एक नया रास्ता उनको खोले ऐसी प्रार्थना मैं श्रीमद नारायण जी के चरणों में करता हूँ और अपने वाणी को यही विराम देता हूँ आप सभी को नमस्कार जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो हमें बताया तो ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सच्चा इतिहास पढ़ाने पर कहीं पर प्रतिबंध है क्यों इस प्रकार से ये आरोप किया जाता है कि हम शिक्षा में जब हम सच्चा इतिहास बताते हैं तो भगवाकरण हो रहा है तो ये सरासर झूठ है सत्य बातें जो है वो हमें लोगों के सामने लानी पड़ेगी जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन क्या इतिहास के कारण रुका हुआ नहीं है तो ये समझ कर लेने की बात है और आज ग्लोबलाइजेशन हम बोल रहे हैं तो इतने सत्तर वर्ष हो गए हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं फिर भी आज हम भारत देख रहे हैं तो हमें यही पता चलता है कि भारत इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री नॉट अ डेवलप्ड कंट्री तो ये सत्तर वर्ष से ग्लोबलाइजेशन में कुछ परिणाम नहीं हुआ है तो ये केवल झूठ और केवल सफ़ेद झूठ ही हमारे सामने रखने का एक घिनौना कार्य आज तक हुआ है तो ये हमने रोकना होगा हमें संगठित होना पड़ेगा और इसको विरोध करना पड़ेगा और हमारा सच्चा इतिहास लोगों के सामने लाना पड़ेगा ये जो कम्युनिस्ट है सेक्युलरवादी है ये हर बार जो चिल्लाते हैं कि भगवाकरण कर रहे हैं शिक्षा का तो इसको अभी हमें मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और उन्हें ये सारी सत्य बातें उनके सामने हमें ये उपस्थित करनी पड़ेंगी और उनसे हमें जवाब मांगने पड़ेंगे क्या उनके पास उत्तर है ये हमें पूछना पड़ेगा ये हम सभी प्रयास करेंगे यहाँ पर हमें जो जानकारी सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ने यहाँ पर दी है ये हम सभी देख सकते हैं इसका अध्ययन कर सकते हैं और इस प्रकार से प्रश्न आप आपको संपर्क में जो लोग हैं उनको भी पूछ सकते हैं और इन्हें ये एपिसोड जो हमारे कर रहे हैं धर्म संवाद के ये इसको दिखा भी सकते हैं मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा इन सेक्युलरवादियों द्वारा इन कम्युनिस्टों द्वारा इन वामपंथियों द्वारा इतिहास का जो विकृतिकरण किया गया है हमारा गौरवशाली इतिहास जो हमसे छुपाया गया है इन सब की जानकारी हिंदू जनजागृति समिति के जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट पर ये सारे वीडियोज़ हमने रखें इसका आप अवश्य अवलोकन करें ऐसे मैं आप सभी से निवेदन करूँगा यदि आप इस कार्य में सहभाग लेना चाहते हैं तो आप अवश्य अपना नाम अपना संपर्क क्रमांक एवं अपने जिले का नाम आप लिख कर दे सकते हैं हम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ ऐसे मैं घोषित करता हूँ नमस्कार